हाँ हेलो, इंस्टेंट रेसिपी हुई सोनाली में सबका स्वागत है। और आज के वीडियो हम देखने वाले हैं कच्चे मूंगफली को माइक्रोवेव में कैसे रोस्ट किया जाता है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरी तरह से कच्चा है मूंगफली, पूरी तरह से कच्चा है और इसे हम माइक्रोवेव में भुनेंगे। लेट अस स्टार्ट रेसिपी। मैंने सिरेमिक की एक कांच की प्लेट ली है, उस पर मैं ये मूंगफली, कच्चा मूंगफली ऐसे स्प्रेड करके लूँगी। और इसे हम अभी माइक्रोवेव करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एलजी का कन्वेंशनल ओवन है, आप किसी भी ओवन में सेम प्रोसीजर यूज़ करके मूंगफली को भून सकते हैं। मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव स्टार्ट कर लिया है और प्लेट को अंदर रख रही हूँ। अब हम मैक्रो का बटन दबा के हाई पावर के लिए इसे 4 मिनट के लिए लगा लेंगे। अंदर से भूनने की आवाज़ आ रही है और हमारे अभी 2 मिनट ख़त्म हो चुके हैं। हम अभी एक बार माइक्रोवेव ओपन करके इसे ऊपर नीचे करके लेंगे, फिर से स्टार्ट का बटन प्रेस करके रिमेनिंग 2 मिनट्स कंप्लीट करके लेंगे। हमारे 4 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और हम अभी देख लेते हैं, स्मेल तो आ रही है। हम अभी मूंगफली को ओपन करके देख रहे हैं तो इसके छिलके निकल रहे हैं लेकिन आसानी से निकल नहीं रहे हैं, तो अबे हमें इसे और भी माइक्रोवेव करना पड़ेगा। तो अब हम डोर को फिर से क्लोज करते हैं और 3 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव का बटन प्रेस करके इसे माइक्रोवेव कर लेते हैं। माइक्रोवेव का बटन दबा के 3 मिनट्स लगा लेंगे। यहाँ पे हमारे 3 मिनट्स भी ख़त्म हो चुके हैं और हमारे मूंगफली अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से छिलके निकल रहे हैं। और हमारी मूंगफली अच्छे से भून चुकी है, देख सकते हैं आप। टेस्टी लग रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ मूंगफली। ये मूंगफली है जो हमने भून के नहीं ली है, इसका ऊपर का कवर नहीं निकल रहा है, आप देख सकते हैं। और ये भुने हुए मूंगफली है, वो बहुत ही वैसे ही तो क्रिस्पी हो गए हैं और ओपन करते ही उसके छिलके निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। वो बहुत क्रिस्पी बन चुके हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैंने ओपन कर दिया तो ओपन करते ही आसानी से इसके छिलके निकल रहे हैं। आपको कच्चे मूंगफली को रोस्ट करना हो तो आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके 7 मिनट्स पे रोस्ट कर सकते हो। आपने देख लिया है कितना क्रिस्पी बन चुका है हमारा मूंगफली के दाने। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। और नए नए रेसिपीज और माइक्रोवेव की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।